नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अंतरिक्ष से इसरो करेगा बिहार की नदियों की निगरानी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी से राजद जदयू की हुई करारी हार। मिशन शक्ति के लिए बेटियां करेगी बेटियों को तैयार। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन लेने वाले बच्चों का नहीं लगेगा ट्यूशन फी। जेम्स एंडरसन ने जाते जाते विराट कोहली के लिए कह दी बड़ी बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी से राजद जदयू की हुई करारी हार। बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल कर ली है। इस सीट से जदयू और राजद दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पहले 6 राउंड में जदयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे थे, हालांकि बाद में बाजी पलटी और 8,000 से ज्यादा वोटों से कलाधर मंडल को निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजद की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। अंतरिक्ष से इसरो करेगा बिहार की नदियों की निगरानी। बिहार में लोगों को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक नई पहल करने जा रहा है। अब इसरो बिहार की नदियों के स्वभाव और पूर्वानुमानों पर कार्य करने वाला है। अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से मिले डेटा की सहायता से बिहार की नदियों की गहराई मापी जाएगी और इससे बाढ़ के आने का पहले ही अनुमान लगाया जा सकेगा। इससे यह भी पता चल सकेगा कि किस खास इलाके में बाढ़ के आने का प्रमुख कारण क्या है। इससे समय रहते बाढ़ की रोकथाम के उपाय भी किए जा सकेंगे। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से बिहार मौसम सेवा केंद्र जल्द ही करार करने वाला है। इसके अलावा प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन में ज्योतिषी गणना का सहारा लेने का भी फैसला लिया है। बाढ़ के अलावा डेटा का उपयोग भूकंप, लू, शीतलहर, वज्रपात जैसी आपदाओं के पूर्वानुमान में भी किया जाएगा। मिशन शक्ति के लिए बेटियां करेंगी बेटियों को तैयार। महिला एवं बाल विकास निगम ज्यादा से ज्यादा बेटियों को मिशन शक्ति से जोड़ने के लिए 100 दिनों का अभियान चलाएगा। अब खुद बेटियां ही बेटियों को मिशन शक्ति के लिए तैयार करेंगी। इसके तहत कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से संबंधित तमाम योजनाओं के प्रति बेटियों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 100 दिनों के इस कार्यक्रम में हर सप्ताह एक एक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 से 19 जुलाई तक मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि 5 से 9 अगस्त तक लिंग समानता पर कार्यक्रम चलेगा। वहीं 12 से 16 अगस्त तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार अक्टूबर तक अलग अलग सप्ताह में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पटना में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से इस रूट की 5 ट्रेनें हुई रद्द। शुक्रवार की देर रात दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतुआ रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे की वजह से इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। इस रूट पर चलने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। गाड़ी संख्या 03224 फतुहा राजगीर पैसेंजर, 03395 इस्लामपुर पटना पैसेंजर, 03237 हिलसा फतुहा पैसेंजर, 03631 नटेश्वर फतुहा पैसेंजर और 03272 पटना इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि परिचालन को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर रेलवे कर्मियों द्वारा काम जारी है। तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक बढ़ गया पानी, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। रोहतास के तिलौथू स्थित तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया और उसमें स्नान कर रहे कई पर्यटक बुरी तरीके से पानी में फंस गए। दरअसल पहाड़ पर मूसलाधार बारिश होने के कारण वाटरफॉल में उफान आ गया और तेज बहाव के साथ पानी आने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद वन विभाग की रेस्क्यू टीम द्वारा फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिससे उनकी जान बच पाई। राज्य की 6 शहरों में 400 ई बसें और ई रिक्शा होंगी परिचालित। पीएम ई बस सेवा के तहत पटना के अलावा 5 अन्य शहरों में राज्य सरकार द्वारा 400 ई बसों का चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस राशि में केंद्र सरकार द्वारा 728.42 करोड़ की राशि, जबकि राज्य सरकार द्वारा 235.20 करोड़ की राशि उपलब्ध
उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि से बसों की खरीद के साथ ही चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा राज्य पथ परिवहन निगम को नई बसों की खरीद के लिए अलग से 72 करोड़ की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। नीट पेपर लीक मामले में पटना, कोलकाता समेत 4 शहरों में सीबीआई की छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में किंगपिन संजीव मुखिया सहित अन्य वांछितों को दबोचने के लिए पटना, दानापुर, कोलकाता समेत 4 शहरों के दर्जन भर से अधिक स्थानों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार राकेश कुमार उर्फ रॉकी से मिले सुराग के आधार पर सीबीआई द्वारा गुरुवार से शुक्रवार के बीच ये छापेमारी की गई। इस दौरान इन स्थानों पर कई लोगों से सघन पूछताछ भी की गई। हालांकि इस दौरान किसी के भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ स्थानों से लैपटॉप समेत कई अन्य दस्तावेजों को जब्त किए जाने की खबर है। सालाना बिहार में हो रहा 8.73 लाख टन मछली का उत्पादन। तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित फिशरीज समर मीट के दौरान पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने कहा है कि बिहार में 2023-24 में मछली उत्पादन बढ़कर 8.73 लाख टन हो गया है। इसके पहले 2022-23 में राज्य में 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। बिहार में अब दूसरे राज्यों से बहुत ही कम मछली आ रही है। मंत्री रेणु देवी ने आगे बताया कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए तालाब निर्माण योजना, मत्स्य हैचरी निर्माण योजना सहित कई योजनाओं पर लाभुकों को अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में मछली बीज का उत्पादन के लिए 207 हैचरी है। राज्य के 55,809 मछली उत्पादक किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण अब तक दिया जा चुका है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन लेने वाले बच्चों का नहीं लगेगा ट्यूशन फी। निजी स्कूलों में अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों का कक्षा 1 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में पारदर्शिता लाने को लेकर इस बार विभाग द्वारा पहली बार ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत रेंडमाइजेशन के तहत नामांकन हो रहा है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बच्चों को स्कूल संचालक की ओर से पाठ्य पुस्तक और पोशाक भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके बदले शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को अनुदान के रूप में सालाना लगभग 11,000 रुपए दिया जाता है। केंद्रीय बजट में 30,000 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की बिहार ने की मांग। 23 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। वहीं इस बजट में बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता चाहिए। 23 जुलाई को पेश किए जा रहे बजट में इसके लिए प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य से विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह राशि मांगी गई है। बिहार की ओर से अपनी उम्मीदों एवं अपेक्षाओं की जानकारी चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को दी जा चुकी है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए राज्य सरकार को रेलवे की जमीन मिली। राज्य सरकार और रेलवे के बीच दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए जमीन की बदला बदली होगी। कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार की हार्डिंग पार्क की 4.80 एकड़ जमीन के बदले रेलवे दानापुर रेलवे स्टेशन के पास अपनी 14.38 एकड़ जमीन बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के विस्तार के लिए और पटना घाट की 18.54 एकड़ जमीन जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए राज्य सरकार को देगा। रेलवे को राज्य सरकार हार्डिंग की जमीन के अलावा 98.24 करोड़ रुपए भी देगी। राज्य सरकार को रेलवे की जमीन मिलने के बाद राज्य की इन प्रोजेक्ट के काम में तेजी आएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली हार्डिंग पार्क की जमीन पर रेलवे द्वारा टर्मिनल स्टेशन, लोकल ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म समेत अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 13 से 20 जुलाई के बीच बिहार से चलने वाली यह 6 ट्रेनें हुई रद्द। महाराष्ट्र के भूसावल मंडल के खंडवा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए नॉन इंटरलिंकिंग कार्य चलने की वजह से 13 से 20 जुलाई के बीच खंडवा जंक्शन होकर आने जाने वाली 6 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इस दौरान कुछ ट्रेनों की रूटों को बदलकर उसे परिचालित किया जाएगा। पटना से 14, 17 और 21 जुलाई को खुलने वाली 8, 2, 3, 5, 5 पटना CSMT मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस
16, 19 और 23 जुलाई को CST मुंबई पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से, 13 और 20 जुलाई को खुलने वाली 05289 मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल, 15 और 22 जुलाई को पुणे से खुलने वाली 05290 पुणे मुजफ्फरपुर स्पेशल, 15 जुलाई को रक्सौल से खुलने वाली रक्सौल लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस और 17 जुलाई को लोकमान्य तिलक से खुलने वाली लोकमान्य तिलक रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कही बड़ी बात। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के द्वारा मांग किए जाने पर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बीजेपी और जदयू पर तंज कसते हुए कहा है कि यह कैसी विडंबना है कि जदयू अपनी ही सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की गुहार लगा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मीरा कुमार ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि यह दुखद स्थिति है कि जदयू को अपने ही अधिकारों के लिए अपने ही सहयोगियों से गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र सरकार बनाते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की ओर से 40 महिला नेत्रियों को मिलेगा टिकट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज की राजनीति की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से झूठ का यह कहना कि हम 30-50% आरक्षण दे देंगे यह सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जनसुराज में हम लोगों की सोच है कि जिले में कम से कम एक महिला नेत्री को चुनाव जरूर लड़ाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अब ये जिम्मेदारी हम सब की है कि बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी महिला को ढूंढ कर निकालें जो समाज के लिए बेहतर काम कर सके। उन्होंने आगे कहा कि आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी, हम 40 की बात कर रहे हैं। जेम्स एंडरसन ने जाते जाते विराट कोहली के लिए कह दी बड़ी बात। क्रिकेट की दुनिया में जेम्स एंडरसन और विराट कोहली की प्रतिद्वंदिता खूब चर्चा में रही है। विराट कोहली मौजूदा समय के महान बल्लेबाज हैं, तो जेम्स एंडरसन की गिनती भी महान तेज गेंदबाजों में होती है। साल 2014 में जब पहली बार कोहली इंग्लैंड के दौरे पर गए थे तब एंडरसन ने उन्हें काफ़ी परेशान किया था। हालांकि इसके बाद कोहली ने वापसी की और जब वो 2018 में वापस इंग्लैंड गए तो उन्होंने एंडरसन को खूब परेशान किया। इस दौरान एंडरसन विराट को एक भी बार आउट नहीं कर पाए थे। फिलहाल लॉर्ड्स में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद संन्यास लेने वाले एंडरसन ने अपनी और कोहली के बीच प्रतिस्पर्धा पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आप काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हैं, कुछ सीरीजों में अच्छा करते हैं और कुछ में नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब शुरुआत में विराट आए थे तब मुझे लगा था कि मैं उन्हें हर बॉल पर आउट कर सकता हूं, लेकिन हाल ही में मुझे लगा कि मैं उन्हें आउट ही नहीं कर सकता। आपको बहुत छोटा महसूस कराती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, मोहम्मद असगर कमाल, रोशन कुमार भारती, सादुल्लाह पालवी, रंजू कुमारी, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकील, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, सुधीर कुमार, रकीब रजा, संजीव कुमार, राम बाबू दास, पप्पू कुमार, उमेश ऋषिदेव, प्रमिला कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, राजेश सहनी, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबुल मरांडी, प्रेम कुमार पटेल, अर्जुन राम, राहुल कुमार, मोहम्मद इरफान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारत जिम्बाब्वे सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत की ओर से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।